2022 में बहुत सारे जबरदस्त हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं। तीन चीजें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी बेस्ड है क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। आज मैं सारी पीड़ित आत्माओं को सुकून की राह दिखाऊंगा। और ये सभी वेब सीरीज एक्चुअल में अभी तक 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से गिनी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10, इंडियन प्रेडिटर द बुचर ऑफ दिल्ली। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दिल्ली में जो है वो ऑन एन एवरेज 500 मर्डर एक साल में होते हैं। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी बेस्ड है एक सच्ची घटना के ऊपर। और इस सीरीज में आप देख पाएंगे एक ऐसे किलर को जिन्होंने लगभग 44 मर्डर्स किए थे, लेकिन लास्ट तक दिल्ली पुलिस उस किलर को किस तरह पकड़ती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन किलर के पीछे असल में क्या स्टोरी है ये भी आप इस सीरीज में जान पाएंगे। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 9, ये काली काली आंखें। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है विक्रांत से, जो कि एक्चुअल में शिखा से प्यार करता है, लेकिन पूर्वा नाम की एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और आप ये भी कह सकते हैं कि उसके पिताजी एक पॉलिटिशियन है, वो एक्चुअल में विक्रांत से प्यार करती है, लेकिन विक्रांत पूर्वा से नफरत करता है, लेकिन पूर्वा किसी भी तरह से विक्रांत को अपनाना चाहती है। और इसी लव ट्रायंगल को इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। इवन लास्ट तक विक्रांत अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करता है, इवन पूर्वा से वो किस तरह पीछा छुड़ाता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। नंबर 8, मर्डर इन अंगोडा। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कोई भी रास्कल कुछ भी बोलेगा आप उसको सच मान लोगे। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक मर्डर से और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और लास्ट में मिस्ट्री क्या बाहर आती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 7, मिथ्या। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है जूही से, जो कि एक्चुअल में एक प्रोफेसर हैं, लेकिन उसकी एक स्टूडेंट रिया जो कि उसे हमेशा से ही सताती रहती है। असल में रिया उसे क्यों सताती रहती है, इवन लास्ट तक जूही अपना पीछा अपने इस स्टूडेंट से किस तरह छुड़ाती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसकी एंडिंग है दोस्तों, इसकी एंडिंग सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बनाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं 5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। नंबर 6, अनदेखी सीजन 2। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की सीजन 1 में बहुत सारी चीजें अनसॉल्व रख दी गई थी, लेकिन सीजन 2 में वही सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी फिर से शुरू होती है कोयल से, जो कि दमन से किसी भी तरह से अपने बहन का बदला लेना चाहती है और लास्ट तक कोयल अपने बहन के मर्डर का बदला लेने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू दिखाए गए हैं और वो सभी पहलू आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाले हैं। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है। इसे रिलीज की गई है सोनी लिप पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 5, ह्यूमन। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को मारते हैं और बड़े बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं। कुछ ऐसी ही चीज दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में आप देख पाएंगे कुछ ऐसे डॉक्टर्स को जो कि एक्चुअल में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सिर्फ अपने मेडिसिन को मार्केट में उतारने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, लेकिन इस मेडिकल एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। और सीरीज में देखने लायक है कि लास्ट तक इन डॉक्टर्स का अंजाम क्या होता है, इवन जिनके ऊपर भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनका अंजाम क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 4, माई। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक माँ से, जो कि अपनी बेटी को अचानक से ही खो देती है, यानी कि उसकी बेटी एक एक्सीडेंट के कारण मारी जाती है, लेकिन माई को बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी एक्चुअल में एक्सीडेंट में नहीं मारी गई थी बल्कि उसे मार दिया गया था। अब माई निकल पड़ती है अपनी बेटी के कातिलों को खोज के निकालने के लिए और लास्ट तक माई अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1।
नंबर थ्री अभय सीजन थ्री। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अभय से, जिसके पास बहुत सारे डेडलीस्ट केस आते हैं और उन केसेस को वो किस तरह सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में टोटल 4 एपिसोड एड किए गए हैं और हर एक एपिसोड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाई गई है और हर एक एपिसोड में आप नए नए केसेस और नए नए क्राइम्स को देख पाएंगे। सीरीज रिलीज की गई है Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग दी है 10 में 8.1। नंबर टू लंडन फाइल्स। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे समुदाय से, जो कि एक्चुअल में रिफ्यूजीज को किसी भी तरह से लंडन में रखना चाहती है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से उस समुदाय को रोकना चाहती है। सीरीज में देखने लायक है दोस्तों कि इन दोनों के संघर्ष में जीत किसकी होती है आखिर तक। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं बूट ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग दी है 10 में 7.6। और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे सुडोल द वॉर्टेक्स। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक टीनेज मर्डर से और इसी मर्डर मिस्ट्री को कंप्लीट सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और इस सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू हैं और वो सभी पहलू आपको बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगने वाले हैं। सीरीज की एंडिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं और इस IMDb रेटिंग दी है 10 में 8.7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बापू एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।